चूकते कांग्रेस को पीके का सहारा। गांधी परिवार प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपने को तैयार। खस्ताहाल हो चुकी कांग्रेस को उभारने के लिए प्रशांत किशोर बनाएंगे पूरी रणनीति। कांग्रेस में शामिल होकर प्रशांत किशोर खेलेंगे बड़ा खेल। नमस्कार, अरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, इसी तरह डूबती हुई कांग्रेस को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा नजर आ रहा है। लगातार हार पर हार का सामना कर रही कांग्रेस को प्रशांत किशोर के अलावा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, इसलिए गर्दिश के दौर से निकलने के लिए गांधी परिवार भी प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी देने पर सहमत हो गया है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एंट्री होना लगभग तय हो चुका है। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, अंबिका सोनी, एके एंटनी, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल, चिदम्बरम जयराम रमेश के साथ प्रशांत किशोर शामिल हुए। प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस नेताओं की ये तीसरी बैठक थी। असल में कांग्रेस हाईकमान को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो वापसी करे। केंद्र के अलावा देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा कांग्रेस के पास कोई भी राज्य नहीं बचा। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को मजबूरी में प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर चली थी, लेकिन उस समय गांधी परिवार ने प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति बनाने की पूरी छूट देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बदले हुए हालात में परेशान कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से प्रशांत किशोर की शरण में जाने को मजबूर हुआ। तय एजेंडे के तहत प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति बनाने की पूरी छूट दी जाएगी और इसमें किसी का इंटरफेयर मंजूर नहीं किया जाएगा। गांधी परिवार की इस बात पर सहमत होने के बाद ही प्रशांत किशोर ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करने का मन बनाया। जल्दी ही प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति को तैयार करने का काम करेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान को तमाम प्रयासों के बावजूद हार के दलदल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में प्रशांत किशोर ही एकमात्र सहारा नजर आए। प्रशांत किशोर भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका की ख्वाहिश मन में रखे हुए हैं। कांग्रेस के जरिए वे पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करेंगे। पीके कांग्रेस का अंतिम सहारा है। ऐसे में देखना है कि प्रशांत किशोर किस तरह से कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने का काम करेंगे।